ओके दोस्तों, ठीक है, अगला जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है स्टेप चार्जिंग। ठीक है, स्टेप चार्जिंग का बेसिक फंडा क्या है? अगर मान लो कोई कैपेसिटर है, उसको मुझे चार्ज करना है फ्रॉम 0 to V2 volt, रेदर दैट डूइंग इट डायरेक्टली, इट कैन बी डन इन टू स्टेप्स। पहले उसको मैंने V1 तक चार्ज करूं, यहां पे V1 इज लेस देन V2, और फिर जो है उसको मैंने V1 से V2 पर चार्ज करूं। ये वाला कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टेप चार्जिंग। ठीक है, नाउ स्टेप चार्जिंग में फंडा क्या है, किस तरीके से हम उसको करेंगे? ये जो कैपेसिटर है, इसके साथ दो बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, सपोर्टिंग फॉर्म में। यहां पर हमारा है V1, ऊपर वाले हैं V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। इनिशियली जो हमारा नीचे वाला स्विच है, वो स्विच मेरा बहुत देर के लिए क्लोज था, यानी नीचे वाले सर्किट पे स्टेडी स्टेट हो गया है, वो हम एज्यूम कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाले सर्किट में एक चीज भूल गया हूं, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, वो भी आर का, वो मैं ड्रॉ करना भूल गया था। हाँ, नाउ इक्वल्स टू जीरो पर मैं S1 को ओपन कर देता हूं और S2 को अगर मैं क्लोज करता हूं, तो सवाल ये है, जो हमें कैपेसिटर का चार्ज जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, करंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, एंड टोटल हीट जो प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालनी है, जो कितना होने वाला है। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो T=0 पर जो हमारा इनिशियल चार्ज इन कैपेसिटर होगा वो होगा मेरा CV1। यानी T=0 पर मेरे पास ऑलरेडी कैपेसिटर में CV1 जितना चार्ज जो है वो हमारा चढ़ गया है, वो तो हमारा नॉर्मल कैपेसिटर के चार्जिंग थी। तो यहां पर इस वाले प्लेट में प्लस CV1 था, ये वाले प्लेट पे माइनस CV1 है, और अब मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट किया हूं V2 का, और यहां पर है मेरा रेजिस्टेंस R। सो दिस इज द सिनेरियो एट T=0। नाउ V2 ग्रेटर देन V1 है, तो ये वाला बैटरी उसको और चार्ज करने का ट्राई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इस तरीके से वो एक करंट को फ्लो करवाने का ट्राई करेगा, राइट? सो ध्यान देना, अगर मैं यहां पर जनरल इंस्टेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जनरल इंस्टेंट पे क्या होगा? जो मेरा कैपेसिटर है उस पर कोई एक अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया है, दैट इज से प्लस क्यू। ठीक है, एक प्लेट पे आ गया है प्लस क्यू, और दूसरे वाले प्लेट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज तो हमारा पैदा या फिर खत्म नहीं कर सकता है। तो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और सर्किट पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो वैसे कर रहा है, और यहां पर है हमारा V2। ये हमारा जनरल इंस्टेंट का सिनेरियो बनने वाला है। और अब अगर मैं ये वाला सर्किट पर KVL बनाऊ, यहां से यहां ड्रॉप Q/C, यहां से यहां तक ड्रॉप, यहां से यहां गेन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, जहां पे dQ/dt हमारा I होने वाला है, जहां पर dQ/dt हमारा I होने वाला है, राइट? सो R into dQ/dt दैट इज इक्वल्स टू V2 - Q/C, ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, सो मैं जो लिख सकता हूं इंटीग्रेट करने के लिए dQ/V2 - Q/C 1/R into dt। नाउ आई वॉन्टेड टू इंटीग्रेट, सो यहां पर मेरा T=0 पर Q का जो वैल्यू है वो है मेरा CV1, एंड एट T इट इज Q, एंड एट T इट इज Q।
तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर तो हो जाएगा माइनस सी एलन वी टू माइनस क्यू बाई सी सी वी वन, यहां से क्यू, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टी बाई आर, ये हमारे पास आ जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा एलेन वी टू माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई वी टू माइनस वी वन माइनस टी बाई आर सी। सो नाउ व्हाट आई हैव इज वी टू माइनस क्यू बाई सी वी टू माइनस वी वन e to the power minus t by rc। So now if I write q by c will be v2 minus this, so that will be v2 into 1 minus e to the power minus t by rc plus v1 into e to the power minus t by rc। तो इस पे जो मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा दैट विल बी सी वी टू इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस सी वी वन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इट इज मोर लाइक सेइंग, जो अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, दिस चार्ज एपरेंटली इज सेम, लाइक हमारा V2 पे चार्जिंग का हो रहा है और V1 का डिस्चार्जिंग हो रहा है, V2 का चार्जिंग हो रहा है और V1 का डिस्चार्जिंग हो रहा है, इफेक्टिवली दोनों चार्ज का जो नेट इफेक्ट है वही एग्जैक्टली हमारे सामने आया है। यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सो Q इनिशियल तो मेरा कितना है, यहां पर अगर हम एक बार पुट कर ले जल्दी से, T इक्वल्स टू जीरो पर ये वाला क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी वन आएगा, सी वी वन आएगा, और T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये वाला क्वांटिटी जीरो, ये वाला क्वांटिटी जीरो, राइट। सो नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ, तो यहां पर है मेरा Q, यहां पर है मेरा T। सो जो फाइनल एसिम्प्टोटिक वैल्यू है वो है मेरा CV2, और यहां पर जो वैल्यू है वो है मेरा CV1, और ग्राफ जो है वो मेरा इस तरीके का बनने वाला है, ग्राफ जो है वो इस तरीके से मेरा एसिम्प्टोटिक बनने वाला है, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज द करंट, अरे बाय द वे सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको अगर मैं V लिखता हूं दैट इज नथिंग बट Q बाई सी। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू V विल बी इक्वल्स टू यहां पर V2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस V2 माइनस V1 e to the power minus t by rc। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ये आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो हम साफ साफ देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है टाइम कांस्टेंट पे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ा है, राइट। अच्छा, एंड नाउ इफ आई सी करंट I, दैट विल बी इक्वल्स टू dq बाई dt।
ना इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, तो डिवाइडेड बाय आरसी आएगा, तो सी सी तो कटेगा, तो मेरे पास आ जाएगा वी टू बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहां पर अगर मैं करूंगा तो माइनस बाहर आएगा, सी सी कटेगा, माइनस वी वन बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो जो करंट आई आ जाएगा दैट विल बी सिंपली v2 माइनस v1 बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो इनिशियली करंट का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वाला क्वांटिटी हमारा वन होगा और फाइनली हमारा ये क्वांटिटी जीरो है। तो इफ आई ट्राई टू प्लॉट द i वर्सेस t ग्राफ, दिस इज i, दिस इज t। नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ तो ये हमारा डिक्रीज करते हुए फाइनली जीरो बन जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन r, ठीक है। अच्छा अब इसके पावर एनालिसिस करना चालू करता हूं। अच्छा व्हाट इज द पावर इन रेजिस्टेंस आर? अच्छा ऑब्वियसली बात है पी जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो इस पे अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अगर मैं देखूं दैट विल बी वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी डी टी, and this has to be integrated from 0 to infinity and so yahan par agar main dekhu to integration mein rc by 2 bahar jayega to rr to katega that will be half c v2 minus v1 ka whole square e to the power minus 2t by rc फ्रॉम इंफिनिटी टू जीरो। माइनस को मैंने खत्म किया तो इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो तो हमें डेफिनेटली बदलनी पड़ेगी ना। ये वाला क्वांटिटी हमारा वन हो जाएगा तो जो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, जो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड है, ये टोटल हीट प्रोड्यूस्ड मेरे पास कितना आ जाएगा? H विल बी इक्वल्स टू हाफ C V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा नाउ एक चीज और देख लेते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बाई सेल। अच्छा सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमारा वी टू पे फिक्स है और चार्ज कितना फ्लो किया है उस पर अगर हम ध्यान दें, ध्यान दो यहां पर इनिशियली ये वाला प्लेट पे चार्ज है प्लस सी वी वन और फाइनली चार्ज होगा प्लस सी वी टू, तो सेल के थ्रू जो टोटल चार्ज फ्लो किया है दैट विल बी C into V2 minus V1, that will be C into V2 square minus V1 V2। और एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज क्या क्या है। जो हमारा इसका इनिशियल एनर्जी था
दैट इज अ हाफ सी वी वन स्क्वायर, और जो हमारा फाइनल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ सी वी टू स्क्वायर। तो मेरे पास जो डेल्टा यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ सी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो मैं एक बार देखना चाहता हूं क्या वर्क डन बाय सेल जो है वो हीट प्रोड्यूस प्लस डेल्टा यू है या नहीं। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, डेल्टा यू प्लस एच विल बी हाफ सी वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू प्लस वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा डेल्टा यू बाई एच। सो वी वन स्क्वायर इज गॉन, तो हाफ सो खत्म हो जाएगा, दैट विल बी सी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू, दैट इज नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू सेल, जो कि हमारा आना चाहिए था और आया भी है। जो सेल का वर्क डन है वो कुछ अमाउंट जो है वो हमारा कहां पर गया है, इन द फॉर्म ऑफ हीट गया है, और कुछ पार्ट जो है वो हमारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है। बट रेशियो जो है यहां पर ध्यान देना, डेफिनेटली हमारा 1:1 नहीं है, वो तो केवल 0 से V1 के लिए होता है, इन जनरल नहीं होता है। अच्छा, तो अब मैं देखना चाहता हूं, जो अगर मैं डायरेक्टली 0 से V2 जाता, तो यहां पर जो मेरा हीट निकलता H1, दैट इज हाफ सी वी टू स्क्वायर, और इसके बदले अगर मैं 0 से V1 होते हुए V2 पर जाऊं, 0 से V1 होते हुए V2 पर जाऊं, तो जो मेरा टोटल हीट निकलेगा H2, दैट विल बी हाफ सी V1 स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 से V1 के लिए इतना है, ठीक है, प्लस हाफ सी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो H2 के बारे में अगर मैं देखूं, दैट इज हाफ सी, मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1V2, राइट। सो अगर हम ध्यान दें, V2 स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो H2 विल बी H1 प्लस C इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1V2, ठीक है, एंड वी कैन क्लियरली सी दिस इज H1 प्लस सी V1 इंटू V1 माइनस V2। नाउ V1 इज डेफिनेटली लेस देन 0, V1 is definitely less than V2. So this quantity is definitely less than 0. So H2 will be definitely less than H1. Yani, energy lost in step charging is lesser than
डायरेक्ट चार्जिंग। मैं डायरेक्ट चार्जिंग करूं उसके बदले अगर मैं स्टेप चार्जिंग करूंगा तो जितना मेरा रेजिस्टेंस में, देखो कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जैक्टली एज इट इज ही है, दोनों केस में कैपेसिटर का जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है वो है मेरा हाफ सी वी टू स्क्वायर। नाउ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी लॉस्ट, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी लॉस्ट, साफ साफ हम देख सकते हैं जो हमारा स्टेप चार्जिंग है वहां उससे ज्यादा अच्छा ये है जो हम यहां पर डायरेक्ट चार्जिंग के बदले स्टेप चार्जिंग करूं। द रीजन बीइंग हमारा स्टेप चार्जिंग में एनर्जी लॉस कम होती है इन द रेजिस्टर। तो अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, अगर मैं बात करूं एडवांटेज की इन स्टेप चार्जिंग, दैट विल बी डेल्टा एच एंड दैट इज नथिंग बट एच वन माइनस एच टू। सो डेल्टा एच विल बी सिंपली इक्वल्स टू सी, कितना आएगा, वी वन वी टू माइनस वी वन स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज गौर से ध्यान दो, नाउ वी वन का वैल्यू कैन वेरी एनीथिंग बिटवीन जीरो टू वी टू, स्टेप में कहीं पर भी सेट कर सकता हूं। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ वी वन। अच्छा वी वन का वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो फिर स्टेप चार्जिंग हुई नहीं, एडवांटेज जीरो है। और इन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम अगर मैं वी वन का वैल्यू वी टू रखूंगा तो भी हमारा स्टेप नहीं हुआ, तो भी हम साफ साफ देख सकते हैं एडवांटेज हमारा जीरो होगा। तो अगर हमें टू मैक्सिमाइज डेल्टा एच, एफ डैश वी वन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो V2 तो हमें जो स्टेप सेट करना है वो एग्जैक्टली हाफ पे जाके सेट करेंगे तो हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिलने वाली है। तो डेल्टा एच का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट इज अ मैक्सिमम एडवांटेज टू अस, दैट विल बी सिंपली वी कैन से That will be C V2 square by 4. The maximum advantage that can be obtained using a step charging in the case, ठीक है, in the case हम लोग direct और step के बारे में देखे, single step में कर रहे हैं, तो in that case हमें C V2 square by 4 will be the maximum possible advantage। And ध्यान देना वो मजाक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट चार्जिंग में जो एनर्जी लॉस होती है दैट एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू हाफ सी वी टू स्क्वायर, उसका 50% तक कम हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द स्टेप चार्जिंग, जहां पे एग्जैक्टली हाफ द वैल्यू पर हम लोग पहला स्टेप को करें और फिर वहां से हम लोग उसके फाइनल वैल्यू पर लेकर जाएं। अच्छा यहां पर मैं सिंगल स्टेप के बारे में बात किए हैं, ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेप्स है तो इन दैट केस More steps will imply more advantage. Steps जितना ज्यादा होगा हमारे advantage भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। Okay? Okay दोस्तों, अगले question में हम लोग basically क्या देखने वाले, अगले profile में हम क्या देखने वाले हैं, जो अगर मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम लोगों को अगर मान लो टाइम कांस्टेंट वगैरह निकालने बोले या चार्ज निकालने बोले तो इन दैट केस हम लोग क्या कोई आसान सा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा दिस इज द सर्किट गिवन, इनिशियली द कैपेसिटर वॉज अनचार्ज्ड
At t equals to zero, the capacitor, the switch S was closed. Then find the charge in the capacitor as a function of time t. अच्छा अभी तो हम लोग को राइट नाउ कुछ नहीं मालूम है, तो अगर हम लोग नॉर्मल एनालिसिस करते हैं, पहले देखते हैं जो ये वाला क्वेश्चन का लेंथ क्या होने वाली है। तो अगर मान लो कोई भी मेरे पास जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम को लेकर मैं बातचीत करूं, तो इन दैट केस क्या है, ध्यान देना, ये मेरा क्लोज हो चुका है, तो यहां पर तो मेरे पास बैटरी है। नाउ यहां पर जो रेजिस्टेंसेस है सब में करंट फ्लो करेगा, स्टेडी स्टेट तो आया नहीं अभी तक, तो कोई भी सर्किट के पार्ट को हम लोग नजरअंदाज जो है वो तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो मान लो इसमें यहां पर जो करंट है दैट इज आई वन, और यहां पर जो करंट है दैट इज आई टू, ठीक है, सॉरी मैंने उल्ट डायरेक्शन दिखा दिया, सॉरी, ठीक है, यहां पर जो करंट है वो मेरा है I2, ठीक है, एंड यहां पर जो चार्ज है दैट इज प्लस Q, और यहां पर जो चार्ज है दैट इज माइनस Q, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं जो यहां पर जो करंट होगा दैट विल बी I, and I will be simply equals to I1 plus I2, and जो हमारा Q है that is nothing but di2 by dt, ठीक है, okay। So now सबसे पहले ये वाले सर्किट में KVL अप्लाई करता हूं, ये R है, sorry ये 2R है, ये R है, ये R है, तो मैं ये वाले लूप पे एक बार के लिए केवीएल अप्लाई करता हूं। नाउ यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। एंड सिमिलरली हम लोग यहां पर भी केवीएल अप्लाई करें, यहां से यहां ड्रॉप क्यू बाई सी, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा I जो है वो तो मेरे पास है सिंपली I1 प्लस I2, सो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 R प्लस टू आई वन आर प्लस टू आई टू आर माइनस ए दैट विल बी कोस टू जीरो, यानी थ्री आई वन आर प्लस टू आई टू आर दैट इज इक्वल्स टू ई, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन वी कैन राइट। और मुझे बेसिकली बात में आई टू ही चाहिए होगा इक्वेशन में, द रीजन इज वेरी सिंपल, क्यू इज नथिंग बट डी आई टू बाई डी टी, सो आई वन का वैल्यू मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई थ्री आर, ये मेरा आई वन का वैल्यू है, एंड क्यू बाई सी दैट इज इक्वल्स टू I1 minus I2 into R, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू अगर मैं देखूं तो epsilon by 3R minus 2I2 by 3 माइनस आई टू इंटू आर, ओके, सो क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू एप्साइलन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री इंटू आई टू आर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q
क्यू बाई सी, इसको यहां पर लेकर आओ, तो 5 बाई फाइव आर बाई थ्री इंटू आई टू, आई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी हां मैंने यहां पे क्या लिखा, सॉरी पता नहीं क्या लिखा मैंने, आई टू इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो आई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई थ्री माइनस क्यू बाई सी, ये हमारे पास आ जाएगा। सो डी क्यू एप्सिलॉन बाई थ्री माइनस क्यू बाई सी थ्री बाई फाइव आर इनटू डी टी, ये मेरे पास आ जाएगा। सो टी इक्वल्स टू जीरो पर हमारा क्यू जो है वो जीरो है एंड एट टी इट इज क्यू, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहां पर तो आ जाएगा माइनस सी एल एन एप्साइलन बाई थ्री डिवाइडेड बाई एप्साइलन बाई थ्री दैट इज इक्वल्स टू थ्री टी बाई फाइव आर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री क्यू बाई एप्साइलन ई एप्साइलन सी दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस थ्री टी बाई फाइव आर सी, उसको यहां पर लेकर आ जाओ। सो द वैल्यू ऑफ क्यू that we are going to get is c epsilon by 3 1 minus e to the power 5 rc, ये हमारे पास आ गया है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो फाइनल चार्ज अगर हम देखें स्टेडी स्टेट में, अगर स्टेडी स्टेट में डायरेक्टली अगर मैं एनालाइज करूंगा तो ये वाला सर्किट खत्म हो जाएगी, R और 2R जो है वो मेरा सीरीज पे आ जाएगी, करंट होगी एप्सिलॉन बाय 3R, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि ये सर्किट में करंट नहीं है तो यहां पर तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस C के अक्रॉस आएगा और चार्ज जो आएगा वो आना चाहिए C एप्सिलॉन बाय 3, वो हमारे पास साफ साफ आ रहा है। तो एज टी टेंडिंग टू इंफिनिटी Q tends to C epsilon by 3 और जो हमारा आएगा टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज tau दैट इज इफेक्टिवली 5 आर सी बाई 3। ठीक है, अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्ट सेम रिजल्ट हमें कब मिलेगा, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट अगर हम ध्यान दें, अगर मान लो हम लोग एक एप्साइलन बाई थ्री का बैटरी लगाते हैं और एक मेरे पास फाइव आर बाई थ्री का रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसको अगर हम उसी कैपेसिटर C के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो ये जो सर्किट है इसका Q और इसका Q जो है वो हमारा सेम आने वाला है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग ने पढ़े थे वही चीज को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं This will be the equivalent Thevenin circuit जहां पर मेरा E Thevenin epsilon by 3 है और R Thevenin जो है
वो था मेरा 5R/3 जो हमारा आर थेवलिन होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5R/3। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो क्या किए हैं हम लोगों ने, तो शॉर्टकट के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिए हैं एकदम बेसिक से, अब हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में कन्वर्ट द सर्किट इन इक्विवेलेंट थेवलिन सर्किट, कन्वर्ट द सर्किट इन द इक्विवेलेंट थेवलिन सर्किट, ठीक है। और वो इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा टेक्निक क्या होगा, जो सी है, जो सी है, ये सी के अबाउट दो पॉइंट ले लो, ए और बी, टेक आउट सी, ठीक है। अब जो बचा हुआ सर्किट है, अब जो बचा हुआ सर्किट है, ये बचा हुआ सर्किट के ऊपर एनालाइज करते हैं। ये 2R है, ये R है, नाउ दिस इज ऑल्सो R, यहां पर A ओपन है, यहां पर ये हमारा ओपन है, तो A और B के अक्रॉस जो बाकी, अब जो मेरा पोजीशन है, दैट वी बी ए is equals to V Thevlin. Now to find out that, ये यहां पर क्योंकि ओपन हो गया, तो यहां पर I तो हमारा जीरो है, तो केवल और केवल इसी लूप के थ्रू हमारा करंट फ्लो करेगा, तो I जो आ जाएगा that will be simply equals to, यहां पर से करंट ऐसे फ्लो करेगा, That will be equals to epsilon by 3R. So VAB will be IR, yani epsilon by 3. Now, for R Thevlin short all other capacitors and any cell, बाकी जितने बचा हुआ कैपेसिटर है और सेल को शॉर्ट कर दो, यानी उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो अब हमारे पास जो सर्किट है वो है हमारा इस प्रकार से, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 2R, ये जो अब मेरा सर्किट है, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू आर थेवलिन, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट के लिए अगर मैं देखूं, तो ये आर के साथ 2R और R मेरा पैरेलल में है, 2R/3, सो दैट इज इक्वल्स टू 5R/3, दैट इज द R इक्विवेलेंट, सो दैट इज द थेवलिन रेजिस्टेंस, एंड दैट विल गिव मी द इक्विवेलेंट थेवलिन सर्किट, जहां से हम एक लाइन पे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, जो हमारा टाइम कांस्टेंट आती है, दैट टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट C into R Thevlin, यहां पर हम ध्यान दे तो that is 5RC/3. So this is a very very excellent method of finding the charge or the current or like time constant. Mainly तो time constant निकालने में ये technique काफी अच्छा है. Note
दिस मेथड फेल्स इफ एनी कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज्ड। अगर कोई कैपेसिटर में, यानी इसके अलावा कोई दूसरा कोई और कैपेसिटर है जिस पर कुछ चार्ज हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, वहां पर ये टेक्निक जो है वो हमारा फेल कर जाता है। उन केसेस में अगर चार्ज कैपेसिटर के बारे में बात आती है तो हम थेवेनिन अप्लाई नहीं करेंगे, हम बेसिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बट केबीएल केसीएल से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसका आइडिया तो डेफिनेटली यहां पर लग चुका होगा। ओके ओके दोस्तों, नाउ वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीकी कैपेसिटर। यानी यहां पे कैपेसिटर है जिसके अंदर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक है और वो डाइइलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज हमारा लीक होता है। यानी जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है दैट हैज सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस इज अ सर्किट शोन, यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है, यहां पर रेजिस्टेंस आर है और यहां पर हमारा कैपेसिटर है विद अ डाइइलेक्ट्रिक। इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो सी है, यानी विथ डाइइलेक्ट्रिक जो उसका कैपेसिटेंस है वो हमारा सी है। इनिशियली हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था ये बोला हुआ है, देन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप ध्यान दो यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है सर्किट के थ्रू कोई भी जनरल, चलो एक काम करते हैं जनरल इंस्टेंट पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं जनरल इंस्टेंट के बारे में ड्रॉ करूं, सो यहां पर क्या है मेरे पास, यहां पर तो जो नॉर्मल बैटरी है वही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, कोई भी इंस्टेंट पे मान लो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां पर चार्ज है प्लस क्यू और यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, बट अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण यहां पर एक करंट हमारा प्लेट के ऊपर से नीचे भी फ्लो करने वाला है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई वन। एंड अगर मैं यहां पर आई वन का वैल्यू देखूं, ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज क्यू बाई सी दैट डिवाइडेड बाई टू आर, तो I1 जो होगा दैट विल बी Q बाई टू सी आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ I1। नाउ बी वेरी केयरफुल, व्हाट विल बी माय dQ बाई dt? प्लीज नोट dQ बाई dt इज नथिंग बट I माइनस I1। dQ by dt will be I minus I1 due to I, Q accumulate होने का try कर रहा है and due to I1 charge जो है वो खत्म होने का try कर रहा है, तो ये वाले plate पे जो net charge का accumulation का rate होगा that will be I minus I1 simply, okay, right। और इसके अलावा ये वाला circuit पे मैं KVL भी apply कर सकता हूं, यहां से यहां तो gain, यहां से यहां ड्रॉप, ठीक है, और यहां से यहां भी ड्रॉप प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे ख्याल से ये अब हमें समझ में आ चुका है। तो क्या करना है अब हमें, हमें I कहीं पर नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए और Q जो है वो मुझे I1 के टर्म्स में मालूम है, ठीक है। सो आई आर का वैल्यू जो होगी दैट विल बी एप्साइलन माइनस टू आई वन आर, एप्साइलन बाई आर माइनस टू आई वन। सो
सो व्हाट आई कैन राइट इज डी क्यू बाय डी टी आई माइनस आई वन दैट इज थ्री बाय ई एप्सिलॉन बाय आर माइनस थ्री आई वन. तो डी क्यू बाय डी टी will be epsilon by r minus 3q by 2cr. Right. So, what I have is dq epsilon यहां पे अगर मैं 2cr का कॉमन ले लूं 2 एप्साइलन c माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2cr दैट इज इक्वल्स टू dt. तो मेरे पास क्या आ जाएगा dq 2 एप्साइलन c 1 by 2CR into TT. Right. So now if I integrate at T equals to 0, Q was 0 and at T Q is Q. तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा that will be minus 1 by 3 ln 2 epsilon c divided by 2 epsilon c t by 2cr. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 minus 3 by 2 epsilon c into q minus 3t by 2cr. So, Q जो मेरे पास आ जाएगा 2 epsilon c by 3 1 minus e to the power minus 3t by 2cr. So, this will be the value of charge Q as a function of time. And अगर मैं Q final निकालने के लिए जाऊंगा तो Q final will be equals to ये वाला टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा that will be 2 epsilon c by 3 that is the final value of current final value of charge. And that can be also understood in the another way. यहां पर जो है हमारा करंट फ्लो तो करता ही रहेगा फाइनली. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें r और 2r तब हमारा सीरीज पे आ जाएगा तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 3r. So, जो हमारा इफेक्टिव करंट होगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाय 3R. तो इसके अक्रॉस जो हमारा ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू करंट I इनटू 2R दैट विल बी 2 एप्सिलॉन बाय 3. कैपेसिटेंस C हमारा उसके अक्रॉस लगा हुआ है. सो सिंपली हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2C एप्सिलॉन बाय 3. ओके.